बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ 6 माह से लेकर साल तक की बच्ची के फ्रॉक की डिज़ाइनिंग। ये 2 फ्रॉक हमने बचे हुए कपड़े से तैयार किए हैं। इस तरीके से आप भी अपनी बच्चियों के फ्रॉक तैयार कर सकते हैं बचे हुए पीसेस से जो घर में मौजूद होते हैं। बहुत इजी मेथड से, आप खुद सिलाई नहीं आती तो आप अपने टेलर से भी सिलाई करवा सकते हैं। तो चलते हैं अपने फ्रॉक की तरफ। तो पहला फ्रॉक मेरे पास है पर्पल कलर में। पर्पल और वाइट कलर में कि हमने बॉडी तैयार की है। पहले गोल गला लगाया हमने और इधर जोड़ डाला है प्रिंटेड कपड़े का और ऊपर प्रिंटेड पट्टी लगा दी है जोड़ पे। ये पट्टी इसी प्रिंटेड कपड़े के साथ की है। उसके बाद नीचे घेर पे आते हैं तो हमने 2 चुन डाले हैं घूम सिलाई वाले, ये देखें दोनों साइडों पे। नीचे घेरे की तरफ आते हैं तो हमने घेर को फोल्ड किया पहले, इसका थोड़ा सा गैप दिया और उसके ऊपर हमने पट्टी लगाई है। 2 पट्टियाँ लगा दी हैं 1-1 इंच की। बैक की तरफ चलते हैं तो बैक की जो बॉडी वाला पार्ट है वो हमने प्रिंटेड रखा है। उसके बाद उसी प्लेन कपड़े की हमने नीचे से घेर तैयार किया है। सेम उसी मेथड से हमने इन 2 पट्टियाँ लगाई हैं नीचे और बेल्ट लगाए हैं। बेल्ट से ये होता है बच्चे का फ्रॉक खुला भी हो तो पीछे से बांध देने से अच्छी सी फिटिंग आ जाती है। इसके बाद चलते हैं बाजुओं पे। तो बाजू हमने इलास्टिक डाल के तैयार किए हैं। फ्रंट पे हमने इलास्टिक डाली है और जो कंधे वाली साइड है वहाँ पे हमने धागा मशीन के साथ सिला के वो चुन डाल के और साथ अटैच किए हैं। तो ये हमारा अच्छा सा फ्रॉक तैयार हो गया 6 माह से 7 तक की बच्ची के लिए। बहुत ही प्यारा और अच्छा लग रहा है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपनी बच्चियों के ऐसे ही फ्रॉक सिलाई कर सकते हैं। तो दूसरा फ्रॉक है हमारे पास वाइट कलर में, वाइट और स्काई ब्लू में। ये भी हमारे पास बचा हुआ पीस थे। ये हमारे पास वाइट है जो वो चिकन का पीस है। तो इसकी हमने बॉडी तैयार की है। और गले पे हमने गोल पाइपिंग लगाई है मोटे वाली और बाजुओं पे भी हमने पाइपिंग लगाई है। चलते हैं घेर की तरफ। घेर में इसके फेर ना ज़्यादा हैं चुनो ना ही बहुत कम है, मीडियम से हैं। छोटी बच्चों को थोड़े घेर भी अच्छे लगते हैं तो हमने ये धागा चलाया इस नीचे वाले कपड़े पे और यहाँ पे कटा थे बने हुए, हम इनको नीचे नहीं देना चाह रहे थे ना इसकी कटाई करने रहे थे। ये अच्छे लगते हैं ऊपर, तो हमने धागा चलाने के बाद कपड़े को नीचे रख के ऊपर से सिलाई लगाई है। ये कट पायल बहुत अच्छे लग रहे हैं, इसकी बहुत प्यारी लुक आ रही है। इधर हमारे घेर में जोड़ आ रहा था तो हमने इधर ट्रायंगल लगाया है छोटे छोटे जोड़ को कवर करने के लिए, इससे फ्रॉक की डिजाइनिंग भी हो जाएगी और जोड़ भी कवर हो जाएंगे। उसके बाद घेर पे हमने लैस लगाई है वाइट कलर में। इसके बैक फ्रंट, ये बैक है और ये भी फ्रंट पे है, बिल्कुल वैसे ही है जैसे फ्रंट हमने सिलाई किया था।
तो व्यूअर्स आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो व्यूअर्स आपको हमारे दोनों फ्रॉक पसंद आए होंगे, उम्मीद करते हैं आपको हमारे दोनों फ्रॉक पसंद आए होंगे। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।